तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro के बारे में। जी हाँ, कई सारे इन्फॉर्मेशन और कई सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं Redmi Note 8 Pro के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कुछ स्पेसिफिकेशन और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है इंटरनेट पे, और ये सारे लीक्स मिला के क्या कुछ कह रहे हैं Redmi Note 8 Pro के बारे में। जी हाँ, इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में भी हम लोग आज ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका जल्द से मनाने से जल्दी शुरू करता हूँ मैं वन सिंह, यह टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे इसकी जो लीक इमेज निकल के आई है, जो मतलब लीक इमेज इंटरनेट पे जो मौजूद है, ये आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात कर लेते हैं Redmi Note 8 Pro के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, Redmi Note 7 Pro जो निकला था, Redmi Note 7 और Redmi Note 7S जो निकले थे, ये काफी ज्यादा फेमस हुए, और आप में से हो सकता है कई लोगों के पास ये स्मार्टफोन्स हों, पर अब लीक्स ये बता रहे हैं कि Redmi Note 8 Pro भी आने वाला है, और जो कि बहुत जल्द आने वाला है, जिसके लॉन्च डेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हमें Redmi Note 8 Pro के बारे में मिली है। इसमें सबसे पहले बताया ये जा रहा है कि यह आपको Android 9.0 पे, मतलब Android Pi पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होगा, और ये जो स्मार्टफोन है ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर बेस्ड है, और इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो है मीडिया टेक का G90T। और इसका जो एक वेरिएंट हमें बताया गया है कि मतलब कौन सा वेरिएंट अभी जिसके बारे में लीक हुआ है, वो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। कहा ये भी जा रहा है कि Redmi Note 8 Pro जो है वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा। अगर ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और काफी बजट रेंज में आता है तो काफी कमाल रहेगा, क्योंकि जो Redmi की जो नोट सीरीज है उसके लोग काफी वैसे भी फैन रहते हैं, और इतने बढ़िया फीचर्स के साथ अगर ये आता है तो काफी तहलका मचाएगा मार्केट में। और इसका जो रेजोल्यूशन होगा इसकी डिस्प्ले का, वो होगा 1080x2340 pixels का। इसका जो पिक्सल पर इंच है मतलब PPI वो है 403। और बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में, जिसमें जो हमें फ्रंट कैमरा जो देखने को मिलेगा वो है 25 मेगापिक्सल का। इसमें आपको रियर साइड पे आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि पहला कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। जैसा कि ये इसकी मेन हाइलाइट्स में आता है कि ये 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आ सकता है। अगर ये आता है तो काफी कमाल रहेगा, ये शायद मेरे ख्याल से पहला फोन है 64 मेगापिक्सल के साथ, मुझे क्लियर नहीं है, पर मेरे हिसाब से शायद ये पहला फोन आएगा मार्केट में 64 मेगापिक्सल के साथ। जो उसके बाद जो सेकेंडरी कैमरा में आपको देखने को मिलेगा रियर साइड में, जो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, उसमें सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, उसका जो हमारा लास्ट कैमरा है थर्ड कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। इसके कैमरे में आपको कई सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे डिजिटल जूम मिल जाएगा, ऑटो फ्लैश मिल जाएगा, फेस डिटेक्शन मिल जाएगा, टच टू फोकस मिल जाएगा, और इस तरीके के कई सारे फीचर्स आपको इसके कैमरे में देखने को मिलेंगे। और जब ये मार्केट में आता है तब देखते हैं 64 मेगापिक्सल का कैमरा क्या कमाल दिखाता है। बताया ये जा रहा है कि इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि काफी सही है, मतलब एक दिन का अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए एक से डेढ़ दिन का, तो आपको 4000 mAh की जो बैटरी वो आराम से दे देगी। बाकी जो नॉर्मल फीचर एक स्मार्टफोन में होते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, वोल्टी, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके बात करते हैं ये स्मार्टफोन किन किन कलर्स में आएगा, तो बताया ये जा रहा है कि आपको ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, एक गोल्ड कलर होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कलर्स के बारे में वो यही बताई गई कि ब्लैक एंड गोल्ड। और कहा यह जा रहा है Redmi Note 8 Pro जो है वो दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन हो सकता है जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आएगा। इसमें जो आपको सेंसर देखने को मिलेगा इसकी 64 मेगापिक्सल कैमरे का, वो होगा सैमसंग का GW1। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी Redmi Note 8 Pro के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में और इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है, जो मैंने आपको वेरिएंट बताया था 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए, तो इसका जो एक्सपेक्टेड इसके लिए जो प्राइस बताया जा रहा है वो है 28,999, मतलब करीबन 29,000 का मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस है। ये अभी कुछ कंफर्म नहीं कि इतने में ही आएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा आए, हो सकता है इससे कम आए। अगर इससे कम आता है तो काफ़ी कमाल रहेगा, अगर इससे ज़्यादा आता है तो उम्मीद यही करेंगे ज़्यादा ज़्यादा ना हो। बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च
बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में, जो कि मुझे बस एक्सपेक्टेड ही लग रही है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताई जा रही है वो है अगस्त 29, 2019, मतलब इसी महीने आपको 29 तारीख को आपको ये लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही लग रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद ये इतनी जल्दी अभी आने वाला है, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है, पर फिलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट आपको बताई जा रही है वो है अगस्त 29, 2019। अब देखते हैं कि Xiaomi क्या करता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी Redmi Note 8 Pro के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पसंद आई होगी ये इन्फॉर्मेशन Redmi Note 8 Pro के बारे में। कमेंट करके बताइए क्या आप Redmi Note 8 का जो मतलब इंतजार कर रहे हो। अगर आपको नया फोन लेना है तो शायद हो सकता है आपके लिए कुछ बढ़िया ऑप्शन लेके आ रहा है Xiaomi। तो अब आगे देखते हैं आखिर क्या होता है, पर फिलहाल के लिए अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक करके जरूर जाना इस वीडियो को, आप प्लीज़ यार लाइक कर दो, आपका सपोर्ट देखे काफ़ी अच्छा लगता है। इस वीडियो को शेयर कर सको अपने दोस्तों साथ तो प्लीज़ यार मेरी मदद हो जाएगी, थोड़ा सा शेयर कर दो अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को, और जल्दी से जोर लगा के जल्दी नीचे रेड कलर का बटन है जिसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं, तो प्लीज़ यार इस चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना इसी तरह के टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, गेमिंग, पीसी रिलेटेड वीडियो देखते रहो। आप लोग के लिए अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक ले जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।